नमस्कार सते सकाल को स्वागत कुछ मिलिबा नमस्कार मुनिवेदिता आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही जहाँ कि खबर कागज शिरोमुंडन करें से संपर्क में आलोचना करवा विश्लेषण भी करवा और आम जो मैंने प्रतिनिधि रही सहित आलोचना करवा तेज निवेदिता प्रथम जब आरंभ करवा नुआ नीति अनुसार जहाँ केन्द्र सरकार जो घोषणा करते कि समस्त को टीका दिजिव 18-44 वर्ष वयस्कर लोक मानू से रेकर्ड टीका करी लक्ष्य रखाई प्राय 50 लक्ष लोक टीका देवाई जो कार्यक्रम करता बर्तमान 80 लक्ष को टपिजी जोटा कि एक नुआ रेकर्ड सृष्टि करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते कि वेल डन इंडिया बोली कंग्राचुलेसन जनई सहित फ्रंट वारियर जो मैंने रही सम्मुख योद्धा रही साधुवाद जनई निवेदिता निहांती साधुवाद जनाइछंती जंती कि आप जानते नीलिमा जे जो टीकाकरण प्रक्रिया विश्वर सर्वबृह टीकाकरण प्रक्रिया भारत में जे आरंभ हो गत कालीठू योग दिवस थिला प्रधानमंत्री जिते देशवासी को संबोधित करते से एक घोषणा करते जो मैंने 18 वर्ष ऊर्ध रही समस्त को मागणारे वैक्सीन दिजिव समस्ते स्वतंत्रत भाव जा निजे टीका नहीं जमी कहते जो प्रधानमंत्री मोदी समस्त को कहते वेल डन इंडिया जो सम्मुख योद्धा रही जो मैंने जाज आड़ टीका नहीं समस्त धन्यवाद जनई नीलिमा कथा बात तेज आप जानते जो भाव राज्य में टीकाकरण को नहीं गोटे प्रकार द्वंद्व सृष्टि होता है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री को चिठी लिखी है कमी केन्द्र सरकार समस्त खर्च बहन करूँ मगणारे टीका जोगाई दिंतु जहाँकि राज्य में टीकाकरण प्रक्रिय सहायक हो जहाँकि प्रधानमंत्री मोदी एक घोषणा कले जदि कह पूर्व केन्द्र सरकार 50% खर्च बहन करते परवर्त समय राज्य सरकार 25% और घर कंपनी घर मेडिकल गुड़िक 25% यार मध्य जिते बड़े एभली एक घोषणा करागला मागणारे वैक्सीन दिगला कौन से राज्य सरकार मानक एणिक टाटे खर्च करने को पड़े अर्थात 75% खर्च बहन करेंगे केन्द्र सरकार यार मध्य 25% खर्च बहन करेंगे जो घर हस्पिटाल गुड़िक रही तेणु कौटना कौटि ये गोटे टीकाकरण प्रक्रिय बेस सहायक हो जेहेतु बर्तमान समय जदि कोरोनार मुकबिला तेज टीकाकरण ही प्रमुख अस्त्र जहाँ कि समस्त को टीका नबार आवश्यकता रही जो एक बृहत टीकाकरण अभियान आरंभ हो जाके विश्व में नंबर वन एक कहुपे विश्व में प्रथम जहाँ प्रधानमंत्री मोदी समस्त जीवन मूल्यवान एक सूचाई देखते जो एभली एक टीकाकरण अभियान आरंभ कर जहाँकि गत काली आरंभ हो दिनक 81 लक्ष टीका नहीं ये कौटना कौटि सर्वकालीन रेकर्ड बर्तमान पर्यटन जीक टीकाकरण कर सर्वकालीन रेकर्ड कहुपे निहती अंपटे संक्रमण कथा देखा 88 दिन में सर्वनिम्न संक्रमण देखा मिली देश में करोनार दैनिक नुआ संक्रमण मामला पाखापाखि 53,256 रही जहाँ कहुच विशेषज्ञ मैंने जहाँ कहते कि 88 दिन सबुठ सर्वनिम्न संक्रमण एवं जदि मृत्यु संख्या देखा 24 घंटे 1422 जन करोन मृत्यु मोट मृत्यु संख्या जब देखा कि देश में बर्तमान पाखापाखि 3 लक्ष क्रस कर गत काली जब देखा 78,190 जन करोन सुस्थ हो खबर सामना को आसी ओके नीलिमा आम ए विषय तो आलोचना करुले जमीक टीकाकरण प्रक्रिय समस्त को सामिल होगा दरकार भी जो प्रधानमंत्री समस्त को अनुरोध करते संबोधित करते जार गोटे सफलता गत काली देखा मिलला एत संख्यक लोक आसिले टीका ने ये कोटना कोटि गोटे खुशीर कथा समस्ते निज आड़ आसुं टीका ने नीलिमा परवर्त खबर आम रखिंट मोबाइल ना इंटरनेट ना नेटवर्क भी आसुनी जमी आप जानते नीलिमा जी जो आम राज्य में मुख्यमंत्री कहले कि यूट्यूब मध्यम पाठ पढ़ा किंतु कम से कम ता पूर्व जाणी रखा दरकार जो अंचल रही अनेक एमती उपात अंचल रही कोरापुट कथा कहतु गजपति कथा कहतु मलकानगिरी कथा कहतु सब अंचल नेटवर्क नहीं पिला मोबाइल ना केत नेटवर्क थे इंटरनेट्र सुविधा ना एमती कि मोबाइल ना समस्त पाखे मोबाइल थी तो संभव नुहे कम से कम सरकार को जाणी रखा दरकार था सरकार को भाव दरकार था जो एमती किसी व्यवस्था कर समस्त व्यवस्था नुआ नुहे नवेदिता कहना गत वर्ष ठीक देखा यूट्यूब हूँ कि अनलाइन सिस्टम हो कथ तो अनलाइन रहा तो सबकि निर्भर करटरनेट तेरे जो मैंने टेक्नोसावी नुहत जहाँ पाखे एंड्रॉइड सेट ना निजे गणशिक्षा मंत्री भी कहीं कहते प्रतिक्रिया आप शुणी कि प्रॉब्लम होती है एंड्रॉइड सेट ना जो एंड्रॉइड सेट रही है सेट इंटरनेट्र सुविधा ना तो पाठ पढ़ी तो पिला केमी पढ़े खाली उपात कथ नुए कि
ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଗଜପତି କୋରାପୁଟର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ, ତ ସେଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ତ ଫରକ ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଡିପେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେଟ୍ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ରଖାଯାଇଛି କି 80-90% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବା ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତା ତ ସରକାର ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି କି ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନେ ସେଥିରୁ କେତେ ଦୂର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ତା ତ ସମୟ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନା ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମହତ ହୋଇପାରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ, ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚୁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 3 ମାସ ଧିମେଇ ଗଲାଣି ପାଠପଢ଼ା, ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ବହିକଥା ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ ସେଥିରେ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କେମିତି, କାରଣ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ନାହିଁ, କରୋନା ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ସେଇଠି ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା, କି ମିନିମମ୍ 12,000 କି 13,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଆସୁଛି, ତ ପିଲାମାନେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସଫଳ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର, ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଦଶମ, ଇଏ ହେଉଛି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି 9ଟାରୁ 10ଟା 15 ଏବଂ 9ଟାରୁ 10ଟା 45, ଇଏ ଯଥାକ୍ରମେ ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କାଲି ରାଜଧାନୀରେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଅର୍ଗସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଥିଲା ଯେ ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରୁ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଭେ କରି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବିଧାନସଭା ବା ଆସେମ୍ବଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଠି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ 30.30%ରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ 30.90 ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ଶତକଡ଼ାର ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ବାକି 70% ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଇଏ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ କେବଳ ନୀଳିମା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରାଜଧାନୀ ନୁହଁ, କେବଳ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମାଲକାନଗିରି, ନୟାଗଡ଼ ଏଇଭଳି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀରେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଥିଲୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ, କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ତା ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର, ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କର। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ତେବେ କୋଟି ନା କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମରେ ଜୁଟିଲା, ତାପରେ ରାଜଧାନୀରେ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ନୀଳିମା ସ୍ୱପ୍ନା ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆମର କହୁଥିଲେ ଯେ ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀରୁ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଝୁଣ୍ଟୁଛି, ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ତ ଛାଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନିବେଦା କି କେବଳ ଏଇଟା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆମେ କେବଳ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବାନି, ସମସ୍ୟା ଉପକୂଳରେ ହିଁ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଝୁଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ହଠାତ୍ ଯିବନି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କରୋନା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସରକାର ସାମ୍ନା କଲେ ବା ପିଲାମାନେ ସାମ୍ନା କଲେ, ଅଭିଭାବକମାନେ ସାମ୍ନା କଲେ, ସରକାର ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାର କିଛି ଥିଲା, ତ ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲାନି, ତ ସେଇ ଅସୁବିଧାଟା ଯେମିତି ଏହି ବର୍ଷ ମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନ ପଡ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନ୍ସଲ୍ଟ କରି ହେଉ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଲାନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍
दूरक पलि आस तो सबकि निर्भर कर इंटरनेट उपर तो पे पाठ कमी पढ़े सरकार यह सब जिस गुरुतर सहित ना दरकार कारण अल अबाउट हूँ पिलाष्य पिलाष्य अंधकार हो खाली आवरेज मार्क रखी पीला पास करदे पिला पास होते पिला भी खुश अभिभावक भी खुश कितु जो मैंने टैलेंटेड पिला रही जो मैंने टोटाली परिश्रम करते पगल प्राय होती बर्तमान चक्कर राज्य सरकार योजना पर योजना कर विकल्प व्यवस्था कौन रहा दरकार ये के दूर सठिक दिगरे जीवर नजर रखा दरकार स्वप्न आम सहित पुणी थे जोड़े स्वप्न जमी आप कहते व्यवस्था प्रथम रू ही सरकार झुंटिले पुणी राजधानी रूपांतर अंचल क्या छाड़ू राजधानी ही व्यवस्था झुंटुची तेज स्वप्न गोटे कथा हूँ सरकार जिते यूट्यूब मध्यम अनलाइन मध्यम पिला पाठ पढ़ी पारे एभली एक चिंता निज मुंड को नेले एक व्यवस्था कले विकल्प व्यवस्था कौन रखिंट जदि व्यवस्था फेल मारे ताले विकल्प व्यवस्था कौन देखंतु निवेदिता जो भली भाव में सरकार पूर्व प्रस्तुति करिथिले एवं सर्वे करिथिले जे जो 30% रु मात्र अधिक माने 31% आम कहीपर पिला माने जो माने ऑनलाइन पाठ पढ़ी पारे एक सर्वे रिपोर्ट जहाँ आसला से माने 31% पाखापाखी लोक माने सॉरी छात्र छात्री माने ए सब पाठ्यक्रम करें कि 70% पिला माने एथरु बाद पढ़ुचंती तेणु सरकार पाखरे विकल्प व्यवस्था रहिला कौन ना से माने टीवी माध्यम पिला मानको पाठ पढ़ेबे जे कथा आसुची जदि विकल्प व्यवस्था होची टीवी किंतु सरकार को ध्यान रखिवार आवश्यकता थिला विभिन्न अंचल रे आमे कहि परिबा नै राजधानी केवल विभिन्न उपांत अंचल रे मध्य आजिकलि आमे बिजुली रो व्यवस्था मध्य सेमानक पाखरे पहुँच पार नै आउ टीवी तो दूर कथा सेमाने स्मार्टफोन विषय रे अज्ञात सेमानक पिला मानको स्मार्टफोन आनिके देबे कोठु ये होची बड़ प्रश्न जो भलि भाबरे विवृति रखिले काली गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहिछंती जे 80% पिला मानको आमे यूट्यूब माध्यम रे काली जोडी हेचु किंतु सर्वे पूर्व सर्वे रे से माने कहिथिले जे 30% रु मात्र अधिक से माने यूट्यूब पिला माने यूट्यूब रे पिला माने पाठ पढ़ुचंती ये दुईटी बिवृति कोटना कोटी अभिभावक मुंड को व्यथा करिछि कारण ये गोटे हास्यास्पद कथा जे सर्वे रिपोर्ट केमती भिन्न आसुची पिला मानकर ये होचु गुणवत्ता शिक्षार प्रश्नवाची काहेकि ना पिला मानकर आवश्यकता रहिछि हायर एजुकेशन से मानक पई तेणु राज्य रे जदि एभले शिक्षा व्यवस्था को आमे त्वरान्वित करुचंती ताल त ये प्रश्नवाची कोटना कोटी सृष्टि हबो निवेदिता ओके बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़े आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि स्वप्ना जासे कहते जो व्यवस्था राजधानी हूँ झुंटुची तेणु कम से कम सरकार जितेबाड़े योजना करोजना को किभली भाव सठिक रूपायन कर सठिक दिगरे जीव से चिंता करवा आवश्यक रही है जेहेतु पिला भविष्य कथा सामनाक आसमा निहत भाव में अंपटे परवर्त खबर को आसवा कि देखा कि कला तालिका पर निवेदा आप जानते कटक रु जो भाव में नकली औषध खासकर कोरोना महामारी समय कोरोना रिलेटेड जो भाव में नकली औषध सामना को आसला से लगुला कि संस्थार जी रही मुख्य कारपटदार एपर्त कौन पर आक्शन नि जाऊनी बर्तमान प्रश्न उठी सहित गोटे खबर आसी कि जेहेतु जो नकली औषध निर्माता रही औषध निगम जो नीति रही कोहल मनोभाव पोषण करते साहस कर नकली औषधपाई कारण कला तालिका पर भी औषध जोगाण होता कथा सामना को आसी राज्य सरकार तो स्वास्थ्य भूमि को सुदृढ़ करने अरम उद्यम चल कितु जब देखा राज्य औषध निगम से किसी शिखला भाई परल्खित होनी जो नकली औषध निर्माता मैंने से निम्नमान औषध जोगे पुणी थे कला तालिकाभुक्त होती कि सहित से विभिन्न औषध एवं टीका जोगाउथवा जा सामना को आसी निहांती निलिमा जमती कि आप कहते जे राज्य सरकार जो औषध निगम रही तार कोहल नीति जो वर्तमान जो मानक कला तालिकाभुक्त करा से पुणी केमती मेडिसिन कथा कहतु वैक्सीन कथा कहतु केमती जोगाऊँ यार गोटे अंकुश लगे दरकार जेहेतु नकली व्यवसाय से दीर्घ दिन धरी चल आसुँचे कि कौन प्रकार रोक लगुनि जदिओ व्यवस्था बदलु आप जानते बदलुं दुई वर्ष ते जे रही औषध निगम मुखिया से वर्ष कि दुई वर्ष बदलुं कि कम से कम जो मानक कला तालिकाभुक्त करा को लिस्ट तो सरकार निहां कि औषध पुणी थे जोगाऊँ जेहेतु महामारी समय समस्त जीवन मूल्यवान एकता दल रुखिया कहते हैं केमती से कला तालिकाभुक्त होषध जोगाऊँ बाबद आलोचना करने इमरान खान नामक जो प्रतिनिधि आम सहित जोड़ इमरान कहुची जो नकली औषध निर्माता संस्था को सुहाऊँगी औषध निगम कोहल नीति वास्तविक जो मानक ना कला तालिकाभुक्त करमती से मेडिसीन जोगाऊँ से सहित स्वास्थ्य विभाग कौन संप्रति रोचे कि
कहीं कहुची जदि औषध निगम अध्यक्ष बदलुं बर्षे दुई वर्ष तेज कोटना कोटि सरकार को पाखे तो रिपोर्ट थी जो मान कलातालिकाभुक्त कर देखो निवेदित आप जानते हैं जितेबाड़ राज्य में कौन नुआ औषध कंपनी आसिक प्रवेश कैर पाखापाखि से सब नीति निम रही एनालिटिकल सर्टिफिकेट ठार आरंभ करके मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट और से जो बाबद औषध आणिक मार्केट में बिके और औषधर के मात्रा प्रभाव रही के प्रतिशत लोक शरीर उपर भल प्रभाव पकेब यह सबूर सर्टिफिकेट रहता है प्रमाणपत्र रहता है ताकि देखा जाते बड़े ग्रीन सिग्नल दिखती ड्रग्स कंट्रोलर राज्य से मार्केट को प्रवेश कैर कि आपके प्रत वर्ष पाखापाखि 150 एमती नुआ कंपनी रही ओडिशा मार्केट को आसती औषध बिक्री करने कि आप जानते हैं बर्तमान जो भाव में चर्चार विषय पलटी नकली औषध कारबार कहीं आप जानते हैं जेहतु कटक कनिक छकू भेजाल औषध जबत होता है फाबी फिराबी ठार आरंभ करके आजिथ्रोमाइसिन अन्यान्य औषध जबत होता है खोड़ताल आरंभ हो संपर्क में 14 जिले में चढ़ाव कर कितु अनेपटे आप देखिए औषध निगम जो नीति निम रही है कहीं जेहतु जो रिपोर्ट बर्तमान सामने को आषध निगम पक्ष जहाँ मिली 2017-2021 अर्थात यही 4 वर्ष भितर पाखापाखि 34 संस्था एमती रही है जो मैं कड़ा तालिकाभुक्त करवर्त अवस्था पुणी थर से औषध बिक्री करने अनुमति मिली अर्थात एथेर कोटना कोटी जो औषध निगम नीति निम रही है से नीति निम को सठिक भाव से पालन करना जो मानक कड़ा तालिकाभुक्त कर जो मैंने भेजाल औषध व नकली औषध आणिकी बजार में बिक्री करते औषध कथ कहतु कि टीका कथ कहतु यो 34 संस्था को कड़ा तालिकाभुक्त कर औषध निगम पक्ष पुणी थे किभली भाव में आसिकी औषध मार्केट में बजार में औषध बिक्री करते जहाँकि तथ्य औषध निगम पक्ष सूचना मिली और अनेपटे यह कौन प्रतिक्रिया जेहेतु औषध निगम पक्ष दि जाएगा अनेपटे स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त महापात्र सूचना अनुजाई जे यहाँ पुणि थोड़े तदंत कर प्रकृत यार सत्यता कौन रही है सठिक प्रमाण मिलने मान दृढ़ कार्यानुषान ना सूचना देखते कि जदि से सूचना देखते केवल दृढ़ किंतु तदंत केबेहेतु समस्त जीवन मूल्यवान एक दलर मुखिया कहते आ महामारी समय जो नकली औषधर कारबार कथा सामना को आसुची कोटना कोटि राज्यवासी भय मनरे वर्तमान भय जात होते कला तालिकाभुक्त होती पाखापाखि 4 वर्ष 37 संस्था वर्तमान कला तालिकाभुक्त है कि पुणी थे से लगातार भाव मेडिसिन इंजेक्शन जोगे आसे ए रोक लगे केवे तदंत सठिक दिगरे दिव विरोध में कार्यानुषान नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद इमरान खान नामक जो प्रतिनिधि आम सहित ए बाबद जोड़ी आलोचना करते समय को ब्रेक। ब्रेक पर स्वागत पुणि थे आम नजर पकेबा टीका कार्यक्रम उपर जहाँ सरकार पक्षर कहु प्रधानमंत्री जहाँ कहते कि समस्त को वर्तमान मेगा जो आरंभ हो टीकाकरण अभियान समस्ते सामिल है 18-44 वर्ष मागणा टीकार जो बर्तमान सेल्फ गोटे रेकर्ड सृष्टि 50 लक्षर जो टार्गेट रखा जाता है पाखापाखी 80 लक्ष ऊर्ध टीका नहीं जहाँ जमापड़ जो साधुवाद जन प्रधानमंत्री फ्रंटलाइन वारियर मानक इस संपर्क अधिक आलोचनापी आम से रही दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल। गगन जदि नुआ नीति देखा तेल सरकार नुआ नीति रे गोटे नुआ रेकर्ड भी सृष्टि होती टार्गेट जीक रही ताठार अधिक मात्र लोके टीकाकरण में सामिल होती टीका नहीं जो गत काली केन्द्र सरकार टार्गेट रखी जो 18-44 वर्ष जो व्यक्ति मान रही 50 लक्ष कि भाव से टीकाकरण करश्चित भाव गोटे भारत जो गत काली रेकर्ड कर सर्वकालीन रेकर्ड पाखापाखि जो 156 दिन धरी टीकाकरण करे सबुठ बड़ संख्यार टीकाकरण कर 18-44 वर्ष जो संख्या रही पाखापाखि 55 लक्ष लोक गत काली भितर टीका नहीं पूरा जी देखिए 45 वर्ष जो वृद्ध व्यक्ति रही वयस्क व्यक्ति रही जो फ्रंटलाइन वारियर रही समस्त को मिसेले पाखापाखि संख्या 80-82 लक्ष पाखापाखि ठीक अच्छा केन्द्र सरकार डाटा रही 81 लक्ष पाखापाखि लोक टीकाकरण कर निश्चित भाव ये गोटे सर्वकाल समस्त बेस उत्साह प्रकट कर गत काली जो अचीवमेंट हासिल करने केन्द्र सरकार फिक्स करते विभिन्न विभाग मंत्री कहतु विभिन्न जो बीजेपी कार्यकर्ता कहतु से विभिन्न हस्पिटाल रही जो टीकाकरण केन्द्र रही स्पॉट विजिट करते कि टीकाकरण को त्वरान्वित कर टिकनिक अपडेट नहीं 5
ଷ୍ଟେଟ ଖାସ କରି ଯୋଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏଥିରେ 50% ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। 68,000 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ସବୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗା ଦେଖାଗଲା କୋଉଠି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ ଅଧିକ ରହିଛି टीकाकरण रही दिन देश में मोट टीकाकरण संख्या भी 28 कोटी टपी जहाँ केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर कहु आशा करवा कि आगामी दिन में समस्त टीकाकरण सामिल हे और समग्र देश वैक्सीनेट हेबी आशा कर। धन्यवाद गगनी रेटलम प्रतिनिधि गगन विश्वास। नीलिमा आम परवर्त खबर रखिंट पणस अटा बढ़ा आशा पणस अटा हो जो पणस मंजी रही नीलिमा से अटा प्रस्तुत कर चूर्ण प्रस्तुत करल यार उपयोग करें पणस को नहीं नुआ आशा संचार रही कौटना कौटि तेज मालभूमि कोरापुट में प्रचुर परिमाण पणस उत्पादन होता बेले उपयुक्त बजारीकरण अभाव लोके अभाव बिक्री समस्या सम्मुखीन होती तेज पड़ोसी राज्य में चाषी कोरापुट पणस बिक्री कर लाभ बेले स्थानीय चाषी बर्तमान जी कहवा कोरापुट में विशेषकर पणस अधिक सेठे आमदानी करेटे अमल कराए कि कौटना कौटि सेठे अभाव बिक्री शिकार होती चाषी कितु जदि कहवा एभली समय केरल पणस मंजी प्रस्तुत होटा और चूर्ण जहाँकि आश्वस्तिकर खबर मिलवा जो मधुमेह रोगी संजीवनी सदृश कम करुच्छे तेज विशेषज्ञ एने मत तेणु कोटना कोटि एमती बजारीकरण व्यवस्था दरकार जो कोरापुट जो चाषी रही व्यवस्था होगा दरकार जहाँ विभिन्न बल में प्रतिक्रिया सामनाक आसूची बाबद सीधा सख आलोचना करवा आम सहित कोरापुट रम प्रतिनिधि गोपाल पाढ़ी आम सहित जोड़ गोपाल पणस अटा को नहीं बर्तमान गोटे पणस को नहीं गोटे आशा संचार होती मधुमेह रोगी संजीवनी भाव कम कर विशेषज्ञ मत रखुच्च कोरापुट में विशेषकर जहाँ सूचना रही है अधिक पणस अमल हुए कितु जितेबाला केरल उपलब्ध होरल संजीवनी सदृश व्यवहार करोरापुट में कहीं नुहे कहीं कोरापुट में गोटे सठिक बजारीकरण व्यवस्था कराषी मैंने कहीं भाव बिक्री शिकार होती देखो 2019 केरल रु जब समय किसी मेसेज आसाला कोरापुट वासी पणस रेहतु 14 ब्लॉक प्रत्येक जंगल में मिल जाव पणस 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 लाभवान भी होते जो पणस चिप्स कराए से बजार को जितने आसो घंटा टी जे महिला परिश्रम कर 100 टा कमे 3 घंटा 300 टा कमेबार प्रोसेस को सेम देते फुलवाणी जो तालीम आसी प्रशिक्षण देते प्रशिक्षण देलापर से शिखी परवर्त समय जमी केरल में जब कह 800 रु ऊर्ध दोकान को पणस मंजी अटा तैयारी करते जो मधुमेह औषधीय कार्य लगुच्छी जदि खाद्य प्रत्येक दिन जदि खाद्य सामिल कराए रुटी बाबद गोटे चामच जदि व्यवहार कराए तो निहाती मधुमेह रोगी मान उपयुक्त उपयुक्त यटा को या गोपाल गोटे कथा जितेबाला केरल रे फर्मुला अपना जाउछि पणस मंजी रु चूर्ण प्रस्तुत करा जाउछि एथरे अटा प्रस्तुत करा जाउछि जाकि मधुमेह रोगी को पाई बे सहायक होउछि तबे एहा को जदि ओडिसा रे ए प्रक्रिया को अवलंबन करा जांता तबे कोटा कोटि कोरापुट रो कॉफी कथा बे समस्त जानिछंती जेमती कोरापुट रो कॉफी प्रसिद्ध लाभ करछि अटा मध्य प्रसिद्ध लाभ करंता एबो मधुमेह रोगी को पाई बे सहायक होंता प्रशासन को कम से कम ए विषय रे ध्यान रखिबा दरकार जेतु केरल रे एभले एक व्यवस्था कोरापुट में आशा रखा बहुत बहुत धन्यवाद कोरापुट प्रतिनिधि गोपाल पाढ़ी आम सहित जोड़ी आलोचना कर। राज्य में 3,000 तले पॉजिटिव ट्रेंड 24 घंटे 2,957 नुआ केस खोर्धार सर्वाधिक 408 आक्रांत पुणी 38 जीवन नेला भाइरस वैक्सीनेशन रे भारत महारेकर्ड गोटे दिन में 84 लक्ष लोक नेले टीका सफलता पर प्रधानमंत्री कहले वेलडन इंडिया बयानेब देशर मोट लोक संख्या ठारु अधिक टीकाकरण
कराउछि डेल्टा प्लस महाराष्ट्र रे 21 जनक सरर रे वेरिएंट को नै भय जून 7 सुधा भारत रे थला 6 टी डेल्टा प्लस मामला संख्या बढिबा परे बढिला चिंता। जाजपुर बांग्लादेशी युवती अभियोग परे धर्मशाला उद्धार कला पुलिस कोलकाताणी देह व्यवसाय पर बिक्री कर दलाल गांव को फेरे नेबाकु युवती आकुल नवेदन स्नान पूर्णिमा श्रीक्षेत्र में कटकड़ा जनसमागम को बारण पूरीर विभिन्न स्थान में 46 धारा 23 राति 10 25 भोर जाए नियम बलवत्तर दम देखाले दुति 100 मीटर दौड़ में नुआ जातीय कीर्तिमान पटियाला 11.17 सेकेंड टाइमिंग सहित भांगे निज रेकर्ड ओलंपिक्स क्वालिफाई पाई आउ पादे आगको एवं कमाल कले बलांगीर कुंडी बाड़क श्रेयास 15 मिनिट्रे 167 प्रश्नर दे सठिक उत्तर जितने इंडियान बुक अफ रेकर्ड टाइम तेज बर्तमान समय एक बड़ खबर आसूरी तापर नजर पकाइबा जाजपुर धर्मशालू बांग्लादेशी युवती उद्धार तेज निज देश को फेरीजा को नवेदन करती से रोकवा भड़ाघर मालिकों अभोग पर पुलिस कार्यानुषान युवती कहवा अनुसार जड़े दलाल बांग्लादेश कोलकाता आनी बिक्री करठे देह व्यवसाय करने को बाध्य तेज से जाजपुर को केमी आसते किए आ ताकुने अधिक खोलताल होबड़े दलाल जनक किभली पश्चिमबंग सीमा डेले ताकुने प्रश्न उठू यार भितर निज गाँ को फेर को साकुल नवेदन करुवती जनक मेरे को दलाल ने बांग्लादेश से लेके आया था और दलाल मेरे को घर का काम देने के लिए लेके आया था यहाँ पे तो दलाल ने मेरे को साथ मतलब गद्दारी किया वो मेरे को कोलकाता में लेके आया था कोलकाता से वहाँ पे अजय कुमार दास है उसके पास मेरे को बेच जाला था वहाँ से मेरे को अदय दास मेरे को कोलकाता में काम कराया था वर्तमान उसका जगह का नाम होटल का नाम क्या है उतना मेरे को मालूम नहीं लेकिन घर से मेरे को निकलने के लिए नहीं देती थी आका टाइम मेरे साथ एक लड़का लड़की आका हमेशा रोती है इसलिए मैं एक पुलिस कंप्लेन करने के लिए मेरे को नहीं हुआ था अभी वहाँ से उसका लड़का अभी पुलिस स्टेशन पे है उसका लड़का का कोई गलती नहीं है गलती उसका पापा का है और शिव का है मतलब जो दलाल मेरे को लेके आया था वो दलाल का मेरा साथ वो मेरे को धंधा का काम बाकर लगा दिया था मेरे को साथ धंधा का काम कराया जबरदस्ती सब कुछ कराया था मैं करने के लिए नहीं तैयार था लेकिन मेरे उन लोग शिव मेरे को मारती थी ए बाबद आलोचना करवा सीधासख जाजपुर आम प्रतिनिधि परमेश्वर बेहरा आम सहित जोड़ परमेश्वर युवती जड़क केमती आसिले जाजपुर बांग्लादेश युवती जाजपुर को आसिले धर्मशाला उद्धार हेले ये युवती जड़क किए एवं कहा ना से अभियोग कर सब बड़ प्रश्न बांग्लादेश जाजपुर आसवा जेहेतु कटकणार समय बर्तमान लकडाउन सटडाउन रही सब भितर केमती से जाजपुर आसिले देखो जदि आम कह ये घटना होची तीन वर्ष पूर्वर जितेबाला बांग्लादेश युवती जनक निज जन संपर्क कम करदेपी कोलकाता आनी कोलकाता सेठार आणी बिक्री करते दुई लक्ष टकर सेठार बिक्री करा सीधा साल भाव में देह व्यवसाय लिप्त करो व्यक्ति जनक बिक्री कराइला से व्यक्ति जनक जहाँ आम पाखे वर्तमान सूचना रही झील जनक जहाँ कौन युवती जनक सीधा साल से कहते लोकटी घर धर्मशाला अंचल सी किसी दिन धरी जितेबाला देह व्यवसाय लगे और जो पुओ रही सांगे गोटे प्रकार भाव प्रेम संपर्क सृष्टि होता तापर युवती जनक देढ़ वर्ष पूर्व से सेठार रेस्क्यू कर नहीं आसते तापर विभिन्न स्थान को जितेबाला से आनी किद पूर्व जितेबाला बापा जे युवती जनक जे प्रेम कर स्पष्ट भाव कि पुओर किसी दोष नहीं बापार दोष अच्छी तेणु ये जो बापो पु लिंक मानने कौन ये कार्य चलाउंट कि दलालगिरी ये कर डायरेक्ट बांग्लादेश सहित संपर्क केमी स्थापन है कारण लिंक देखूँ ओडिशा ओडिशार जाजपुर जाजपुर धर्मशाला धर्मशाला बांग्लादेश लिंक एवं भाया रही है भितर पश्चिमबंग तो निहाती भाव गोटे बड़ रैकेट भितर काम करमेश्वर हाँ
निश्चित भाव आम कहीपर एक कथा कारण बांग्लादेश जो व्यक्ति जनक कोलकाता बिक्री करते से हूँ धर्मशाला अंचल लोक जहाँ ना जहाँ अभियोग करुवती जनक बर्तमान मैंने जहाँ स्पष्ट भाव से कहवा कथा जो व्यक्ति जनक उद्धार करते जी प्रेम संपर्क सहित स्थापन करते कौन दोष नाई बोली से जो कथ कहते अर्थात से रेस्क्यू करते कि बापा संपूर्ण दोष आरोप रोचे कारण से देह व्यवसाय लिप्त करते कि जहाँ से स्पष्ट भाव में कहते सब बड़ कथा हूँ फेर से रिक्वेस्ट कर धर्मशाला पुलिस किसी व्यवस्था करमेश्वर कमी फेर बांग्लादेश को देखु वर्तमान सुधा तो सेभली किसी व्यवस्था कराएनी कितु गत काली जितेबाला पुलिस जो घर से भड़ा रोचर जितेबाला एफआईआर क्रमे झील को रेस्क्यू कर पुलिस और बर्तमान जाजपुर सखी पाखे सखी ठार रखा जा सखी केन्द्र रखा जा गोटे प्रकार भाव में संपूर्ण जांच कराँच कलापर बोध हुए बांग्लादेश फेर बांग्लादेश को छड़ा जाए कौन व्यवस्था करूँ बर्तमान आम पाखे जहाँ सूचना रही राज्य सरकार को बारंबार नवेदन करुँच कि मो देश को फेरी जावाक चाहूँ बांग्लादेश तो वर्तमान सुधा से परिभाव रे पुलिस तांकु फेरे नबा कौन प्रतिक्रिया मिली पारी ना एवं वर्तमान सुधा युवती जनक जाजपुर जो सखी रही से अच्छा सब बड़ कथा हूँ सी वर्तमान बारंबार नवेदन कर सरकार को तुरंत किपर मुझ को फेरी जी बांग्लादेश तदंत कर प्रकृति में लिंक कौटू कौ जाए रही है युवती कथा के सत्यता रही केमी आसे कौन है तदंत पर ही स्पष्ट हो धन्यवाद परमेश्वर प्रतिनिधि परमेश्वर बेउरिया निर्मा तुम्हें आम तो आलोचना करते आउ एक प्रसंग आम सहित रही है आलोचना करवा नष्ट हो पांच दशमिक चार चार कोटी टसर अर्थात आप जानते मयूरभ जिले में पखापाखि एक यूनिट्रे पांच कोटी चौरालीस लक्ष टंकार टसर वर्तमान समय पड़ रही है जेहेतु कोविड महामारी समय या सठिक रूपे बिक्री पानी जहाँ दीर्घदिन धरी पड़ रही है जोधपुर यार गुणात्मक मान नष्ट होबर आसूरी तेणु गोटे व्यवस्थित ढंग से सरकार एप्रति चिंता करवा दरकार जी केमती यहाँ व्यवस्थित करो टसर चाषी रही तेणु जेहेतु अभावी बिक्री से शिकार होती जो चाषर मुह फेराउंट बाबद आलोचना करवा बारिपदा प्रतिनिधि रंजन दास आम सहित जोड़ रंजन जदि कह जहाँ सूचना रही है मयूरभंज जिलार एक यूनिट्रे पांच कोटी चौरालीस लक्ष टंकार टसर वर्तमान समय पड़ रही है जो पड़ रहा जो कहुच्च यार गुणात्मक मान नष्ट या सठिक समय बिक्री हो पानी चाषी मुह फेरले प्रशासन ए दिगरे कौन पदक्षेप नहीं देखो निवेदिता जो टसर कथा आम कहूँ मयूरभंज जिला एक आदिवासी अधिषित अंचल यार पाखापाखि कह गले जो बारीपदा निकटस्थ अच्छी आम मरुड़ा कथा मरुड़ा ब्लक कथा कह सुपदा ब्लक कथा कह सामाखुंटा कुलियणा विभिन्न प्रकार जो शिमिपा संलग्न जी ब्लक गुड़िक अच्छी समस्त ब्लक गुड़िकरे जो केन्द्र सरकार टसर विभाग है कि आमर जो राज्य सरकार टसर विभाग है ये समस्त पक्षर जो गरीब आदिवासी पर आर्थिक विकासपाई किभली भाव में टसर चाष करेंगे और आर्थिक मानदंड किभली भाव सचल हो समस्त व्यवस्था को लेकिन विभिन्न प्रकार लक्ष्य करकेषर गुणवत्ता उपरूर चाष करके निर्भरशील व्यवस्था कराई तेज परवर्त पर्यायर जितेबाला टसर टी उत्पादन हो जाए और उत्पादन पर जो बिक्री कथ आसे से जो टसर बोर्ड रही टसर बोर्ड किए और कि सारिकी सी कौन करता है तार विभिन्न प्रकार जो रही विपणन केन्द्र सब विभिन्न प्रकार रही जो यूनिट सब रही से यूनिट मध्यम से चाषी अच्छा जो चाषी पाखु किनी था परवर्त पर्यायर से सब को नहीं जो अच्छा जो सूता या जो टसर सूता या समस्त विभिन्न प्रकार बिक्री होता है समस्त जिनस को जब लक्ष्य कराए तेज गत वर्ष पाखु जो कोरोना आ कोरोना समय पाखु कह गले चाषी गोटे प्रकार हंतसंत होती जो टसर उत्पादन सरी जाता है उत्पादन सरला जो टसर को रखी था बिक्री करने जो बोर्ड उपर निर्भर करता सरकार जो अच्छी विपणन केन्द्र अच्छी सरकार जो क्रय करता ये समस्त यूनिट पर निर्भर करता तेज बर्तमान जहाँ समय आसमान जहाँ सूचना आखापाखि आम जो जिले रही है एक जो केन्द्र रही है एक केन्द्र में पाखापाखि पांच कोटी
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଟସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି, ଇଏ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବେଶୀ ସମୟ ଧରିକି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଆ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତା ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯଦି କହିବା ଯେ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟସର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା 1975 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କିରିପୋଷଠାରେ ଏକ ଗବେଷଣା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଲୋକେ ଆସିବେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଟସର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ କିଣାବିକା ହୋଇପାରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ଯତ୍ନ ବା ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଟସର ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ଆମ ବାରିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ନିବିତା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାର, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ସକାଳରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥି ଆଣୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣୁଛି। ତ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣାର ଗୁରୁଦାର ଅବିନାଶ କୁମାର, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୀତିକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଲବମ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ କଥା ଦେଖିବା ମଞ୍ଚରେ ସେ ତାଙ୍କର କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବିନାଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଫିଟ୍ ଆଉ ଫାଇନ୍ ଥିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଯିଏ ମୋତେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅବିନାଶ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲୁ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଲୋକମାନେ ବା ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଅବିନାଶ କୁମାର ନିଜକୁ କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ? ଅବିନାଶ କୁମାର କହିଲେ ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନା, କାରଣ ମୁଁ ସାରେଗାମାପା ମେଗା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ୱିନର ଥିଲି 2016ରେ। ତାପରେ ବାଜିଗର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୀତ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଘର ଘର ପରିଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଗାଇଥିଲୁ ବାଜିଗର ସଙ୍ଗରୁ ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଜି 30-40 ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଫିଲ୍ମ 2 ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏସବୁ ପସିବଲ ହୋଇପାରିଛି। ଅବିନାଶ ଆସିବେ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆଉ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣିବୁନି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବନି, ସେଟା ତ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବନି। ବାଜିଗର ସଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବାଜିଗର ସଙ୍ଗ। ତ ଅବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଗୀତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ନିହାତି ଭାବରେ ସୋ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତରୁ ନାଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ଗୀତରେ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଥମେ। ତ କୋଟିରୁ ଜଣେ ବାଛି ନେଲି ତତେ ସାଥୀ, ନ ଲାଗୁ ରେ ତତେ କେବେ କା ନଜର, ବାଜିଗର ମୁଁ ତୋ ବାଜିଗର, ବାଜିଗର ମୁଁ ତୋ ବାଜିଗର, ମନ ଦେଲି ମନ ନେଲି ତୋ ସପନେ ହଜିଗଲି, ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ମୁଁ ହେଲି ବେଖବର। କୋଟିରୁ ଜଣେ ବାଛି ନେଲି ତତେ ସାଥୀ, ନ ଲାଗୁ ରେ ତତେ କେବେ କା ନଜର, ହୃଦୟ ହରେ ତତେ ମୁଁ ଜିତିଲି, ତୁହି ତୁମ ହମରାହି ଓ ହମ ସଫର, ବାଜିଗର ମୁଁ ତୋ ବାଜିଗର, ବାଜିଗର ମୁଁ ତୋ ବାଜିଗର। ପକ୍କା ଅବିନାଶ, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବି, ଏ ଭଏସ୍ଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତାହେଲେ ଅବିନାଶ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଗୀତକୁ ନିଜର ପେଶା ନିଶା କରିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କଲେ 2014 ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷୋହଳରେ କଲେ ସାରେଗାମାପା ୱିନର ହେଲେ, ତାପରେ 340 ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ଜର୍ନି କେମିତି, ଏ ଜର୍ନି ଏତେ ସହଜ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ନା, ଏତେ ତ ଇଜି ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ନଥିଲେ ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣିର ମଜା ନଥାଏ କି ସକ୍ସେସ୍ର ମଜା କିଛି ନଥାଏ। ତ ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଗାଇପାରିବୁ ନା ନାହିଁ, ଗାଇପାରିବୁ ନା ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଆଗରୁ ବି ଚାନ୍ସ ଆସିକି ବି ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଭରସା ନଥାଏ ଗାଇପାରିବୁ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୱିନର୍ ହେଲି, ୱିନର୍ ହେବା ପରେଠୁ ତାପରେ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଚାନ୍ସ ଆସିଥିଲା ବାଜିଗର, ଆଉ ସେଟା ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ସୁଶୀଲ ଭାଇ, ସୁଶୀଲ ଦଳାଇ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୋର ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲି, ଆଉ
दर्शक मान बंधु मान गोटे गाई चलि अविनाश ओलीउड इंडस्ट्री को स्थिति दे गति को जेटा आपन बहुत भले कि जानछंती जदि जेतले प्रश्न आसे जेतले आपन ओटे म्यूजिक को करियर करे पय चाहौछंती ओलीउड इंडस्ट्री रे सेति के आपन पय अपॉर्चुनिटी अछि त सेटा होछि सबटा बड़ प्रश्न त आपन आपन को कोन लागुछि ओलीउड इंडस्ट्री आमे सेति के दूर रे पहुचि पलेनि कि जे कि निजे जने म्यूजिक को पेशा ओ निसा उभय पैशन एवं प्रोफेशन बनि परिबो जदि आमे माने जदि मु अप्रिय सतता कहबी ताले एबे सेतिकी लेवल आम इंडस्ट्री पहुँची पारिनी बट आग अपेक्षा बहुत डेवलप करी आग अपेक्षा जी आगे चान्स पाते न्यू कमर जी एक्सपोजर थिला एबे टिके बढ़ी नुआ नुआ माने टैलेंट को चान्स दि जाऊँ बट मु डेफिनेटली जदि समस्ते चाहिए चेष्टा करेंगे आम भी आगे जापर एंड नुआ नुआ संग भी आसिबो बहुत बढ़िया बढ़िया जो एबेका जो गीत लोक मान शुणार ओडिया गीत शुणार रुचि चेंज है मु भी फिल कर समस्ते फिल कर तो डेफिनेटली आगे को बढ़ी हम चेष्टा चाहिए जैसे जे कि गोटे मानने धारा रे परिवर्तन आनी लोक ओडिया म्यूजिक सुनिया पे बाध्य भी करण ताभर एत मादकता भर रही लोक मैंने शुणु भी खास करी कोरोना काल जो म्यूजिक वीडियो रही सेटा मते बेस क्लिक कर बहुत व्यूज मत जाऊना आपन सहित आलोचना जारी रखू कि समय एक छोट ब्रेक र ब्रेक परे सत्य सकाळ को स्वागत आम सहित अच्छा बालेश्वर जिला रेमुणार अविनाश कुमार जी की ओडिया फिल्म जगत में बहु बड़ बड़ गीतिकार कंठदान करजक प्रतिष्ठित करविनाश पाखक पुणि थे फेर को चाहिए अविनाश आम आलोचना तो करुले आप गीत गाई शुणाइले आमको आम सका आहरी फ्रेश कले आनेक गीत आम आपठू शुणु तेज जानवाक चाहबू अविनाश व्यक्तिगत जीवन में कौन करती गीत प्रति एम पैशन के आसला व्यक्तिगत जीवन में एक्चुअली मुझे जो इंजीनियर फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इंजीनियर इंजीनियर सारी तापरे मु जॉब करू थी मुंबई रे मुंबई रे जॉब कला भितर तापरे वन ईयर बधे जॉब करी तापरे मते टिके भल लागिलानी कारण मु पिला बेळ गीत गाउथिली गीत रुचि थिला जेहेतु तो से जो जॉब लाइफ आउ सिंगिंग लाइफ को भारी कष्ट माने ये करिबा बैलेंस करे भारी कष्ट सो मु वन ईयर चाकरी परे मु छाडिली केवल गीत पई ओके तापरे मु भुवनेश्वर आसिली आसला कोतो ओके अविनाश इंजीनियरिंग आप करते जॉब भी करते मुंबई रे जिते बड़े जॉब छाड़ी गीत प्रति आप इंटरेस्ट देते गीत जमी आपते छोट बड़ गाते तेज के रिग्रेट फिल है कि हाँ मुझे भूल डिसीजन नहीं कली इंजीनियरिंग जॉब करी बहुत पैसा कमे था कहीं लाइन में आसती एमती के फिल है मुझे मोपी कह स्पेशली मु लकी आई एम लकी स लकी बिकज मोर बैकग्राउंड टी स्ट्रंग मोर बैकअप टी स्ट्रंग बिकज आम फैमिली बिजनेस भी अच्छी कंस्ट्रक्शन सो बापा कंट्राक्टर जेहेतु तो मु बाबा कहले कि तू गीत भी गा प्लस तू कंस्ट्रक्शन भी कर तो मुझे जो घर को आसली पुणी आउ थे मुझे मोर स्टार्ट मोर हिसाब से रखी मुंबई में थे कहुए मुंबई हूँ समस्त समस्त स्वप्न कर सब बड़ जगह आपड़ अलरेडी मुंबई में भी थे मायानगरी में थे सो आपठी आपड़ी चाहिए था मैंने क्यारियर आरंभ कर था इन म्यूजिक कथ मुझे कहूँ क्या से बेस अपॉर्चुनिटी अच्छी आपड़ा को कहीं चूज कल आसली बट मुझे जब करके गीत गाई था गाई पार ना कारण जब रे हेक्टिक प्राइवेट जब आप जानते मानते कॉर्पोरेट रे सकाळ जीवे संध्या राती हिज बसु वर्क प्लेस रे थाय आपण गीत भी गाई परबिन चाहिले समय दे परबिन तो जदी सेमती ही थांदा जदी मु रही कि सेठी सबु चाकरी छाडी गीत गाई थेंते ताले बैकग्राउंड रे किछ नथिला माने सर्वाइव करिया पई आइदर मु गीत बाछबी नहले जॉब को बाछबी तो सेते मु भाबिले जदी मु ओडिसा जाउ मुंबई रो मायानगरी अविनाश को बांधी रखी पल्लानी पुणी थारे ओडिसा माटी को फेरिले एमति के एबे कंस्ट्रक्शन देखु जोंति तासो त गीत बथे गाउछन त अविनाश गीत गोटे शुणा को चाहिए मोर जस्ट निकट मान अतर गोटे फिल्म रिलीज होता जहाँ ना थी तुमर साथी शैलेन्द्र दिव्या स्त्री हिरो हिरोइन थे तो गीत टी बहुत बढ़िया होता आशा कर हृदय जदि नीरवि जाए निश्वास मथमी जाए रे तू थिले पाखे
किछि हबनी तो बिना मु मरि जाए रे तुमरो साथी रे तु बाट चालु था साथी रे तुमरो साथी रे तुमरो साथी रे तु बाट चालु था साथी रे स्पंदन जदी पचारे धीरे हृदय रे किए मछे रे तो ना धीरे कही मु दिए जीवन महसी दिए रे तो ठरे हसे मो दुनिया तो पाई मन अमानिया ए बाधे प्रेम हे गला रे तुमरो साथी रे तु बाट चालु था साथी रे तुमरो साथी रे तुमरो साथी रे तेरा स्पंदन ने किए रे चालु था साथी रे अविनाश इबुलिया गीत सेतेबेले आसे इमिति भाव सेतेबेले आसे जेले प्रकृति रे हृदय रे स्पंदन ने किए थाए अविनाश को हृदय रे स्पंदन ने किए अछि ताले हृदय रे स्पंदन रे के नाती बट थिले पास्ट थिले एमिति नै कि के नथिले बट एबे फिलहाल म सिंगल अछि अच्छा कंस्ट्रक्शन काम जतले करंती अविनाश माने माटी गोडी सहित ई गीत रो जो सुर ताल रो माने केमिस्ट्री टा केमती जमे जेहेतु आमर सबु माने मेन वर्क माने वर्क सब बहुत लोक अच्छा देखा को बाबा भी बुझाबुझ कर पर्सनाली तो मत ते प्रेसर पड़े नी मु देखे ऑफिशियली काम बुझे तापरे बाकी टाइम मु गीत को दिए तो से पई टिके इजी अविनाश अविनाश आमे जेहेतु आम पके समय कम रहिछि आपन ठर औरी अनेक कथा जानिबार थिला जेहेतु स्वल्प समय आउ एक गीत आपन गाइनंतु आमे गीत सुनिबो तापरे आमे कार्यक्रम को वाइंड अप करबो आ गोटे गीत आ गोटे गीत हिंदी गीत गाइक चाहिए पल भर ठहर जाए दिल ये समझ जाए कैसे तुम्हें रोका करूं तेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए आँखों में तुमको भरूं बिन बोले बातें तुमसे करूं अगर तुम साथ हो तेरी नजरों में तेरे सपने तेरे सपनों में नाराजी मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो अविनाश को सहित रुहंतु आमे मध्ये आशा करछु जे गोटे भल लाइफ पार्टनर टे मध्ये अविनाश को मिलंतु एवं अविनाश आपण आगो को ढेर सारा सफलता पांतु आपण जो लाइन ने आसी छंती जो स्वप्न ने आपण मायानगर रो माया आपण को बांधी पाल्ला ने आपण से सब को छिडे ओडिसा को पुणी फेरिले एवं आसे तो आपण गीत को पैशन भाबे नै छंती आपण को डेडिकेशन मध्ये रहिछ आशा करछि आपण ढेर सफलता पाइबे आगो को हमर शुभ कामना आपण को सहित बहुत 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 धन्यवाद आम सहित अविनाश जोड़े अविनाश कुमार जी के ओडिया फिल्म जगत में बहु बड़ बड़ गीतकार सहित कम करदार बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आप आसे आम सहित जोगदे आम सका आहरी सतेज कले समय जाक्रम को नमस्कार नमस्कार।